हे गाइस, गिज़्मोडिक हियर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पबजी में FPS डेटा कैसे एनेबल कर सकते हो। तो मैं पिछले काफ़ी महीनों से इन डेप्थ पबजी रिव्यूज़ बनाता हूँ मेरे चैनल पे, जहाँ पर मैं आपको FPS डेटा, बैटरी ड्रेन, CPU कंजम्पशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो आपके बस यही सवाल आते रहते हैं कि हम अपने फ़ोन पर पबजी में FPS कैसे दिखाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फ़ोन कितना FPS देता है। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने फ़ोन पर भी FPS डिस्प्ले एनेबल कर सकते हो रियल टाइम में। और ये 100% फ्री ऐप है, आपको इसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो यार प्लीज़ ये लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो। और अगर आप सोच रहे हो कि ये इतना कूल केस मैंने मेरे Redmi Note 8 Pro पर कहाँ से लगाया, तो यार ये glazeding.com से आता है। इनके पास एक्चुअली Redmi Note 8 Pro के अलावा काफ़ी दूसरे फ़ोन्स के लिए भी केसेस है, जैसे कि Realme X2, X2 Pro, Asus ROG Phone 2, Redmi K20, K20 Pro। और इनके जो टेम्पर्ड ग्लास है ये इंडिया में सबसे बेस्ट है। इनके टेम्पर्ड ग्लास में एक्चुअल 2.5D कर्व्ड एज होती है, तो इतनी हाई क्वालिटी का ग्लास और केस आपको नॉर्मली और किधर नहीं मिलता। तो मैं अपने फ़ोन्स पर इनके ही प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे कोई प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ यार glazeding.com पे चले जाओ और प्रोमो कोड गिज्मो भी यूज़ करो, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। अब बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यार PUBG पे अगर आपको FPS डिस्प्ले करना है तो ये बहुत ही आसान काम है। इसके लिए दो मेजर ऐप्स है, जो कि है गेम बेंच और KF मार्क। ये गेम बेंच करके जो ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बट इसका मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये आपके और मेरे जैसे यूजर्स के लिए नहीं बनाया गया, ये प्रोफेशनल टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। तो अनलेस एंड अनटिल आपके पास गेम बेंच प्रो वाला अकाउंट है, उसके अलावा आपको इसमें एक्सेस नहीं मिलता है। एक्चुअली गेम बेंच का और एक ऐप था, गेम बेंच कम्युनिटी ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर पर पहले था, वो फ्री था और आप आसानी से यूज़ कर सकते थे, बट अब वो ऐप अभी अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल गेम बेंच से आप FPS नहीं देख सकते। तो बचा KF मार्क। तो KF मार्क बेसिकली एक चाइनीज़ ऐप है, ये आपको GitHub पे देखने मिलता है और ये एक चाइनीज़ डेवलपर ने बनाया है, पर ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसे अपने रिस्क पे इंस्टॉल करना है। ऑनेस्टली मैं और काफ़ी दूसरे सारे रिव्यूअर्स भी ये ऐप को बहुत टाइम से यूज़ कर रही है, ऐप में मेजरली मुझे तो कोई प्रॉब्लम लगा नहीं। तो अगर आपको FPS अपने फ़ोन पे इनेबल करना है तो आपको KF मार्क यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ऐसे ऐप्स में क्या होता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है APK जो आपके फ़ोन पे इंस्टॉल होता है, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है एक डेस्कटॉप क्लाइंट, जिससे आप ये APK को इनेबल करते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ों की लिंक दी है, मैंने KF मार्क के डेस्कटॉप क्लाइंट की लिंक दी है और मैंने KF मार्क के APK की भी लिंक दी है, तो आप वो दोनों चीज़ें जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपको APK अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करना है और जो डेस्कटॉप क्लाइंट है इसको आपको अपने PC पे रखना है। तो अभी एक्चुअली आपको आपके फ़ोन पे भी कुछ ऑप्शंस इनेबल करने हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके फ़ोन पे क्या करना है। तो आपके फ़ोन पे आपको USB डीबगिंग इनेबल करना है, और इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल स्टॉक एंड्रॉयड या फिर कोई दूसरा फ़ोन है, तो आपको बस अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन में जाना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है और बिल्ड नंबर पे 7 times टैप करना है। एक बार आप 7 टैप कर लोगे तो आपके पास एक डेवलपर ऑप्शंस का नया ऑप्शन खुल जाएगा आपके फ़ोन में। तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स पे आप ऐसे इनेबल करते हो, पर अगर आपके पास MIUI वाला फ़ोन है तो बिल्ड नंबर के जगह पे आपको एक्चुअली MIUI वर्जन पे 7 times टैप करना है। तो अगर आप वो करोगे तो आपका MIUI वाले फ़ोन पे भी डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा। और आई थिंक Realme वाले फ़ोन पे आपको या तो बिल्ड नंबर पे या तो ColorOS वाले वर्जन पे इनेबल करना है, वो आप गूगल करके देख लो कि आपके स्पेसिफिक फ़ोन पे डेवलपर ऑप्शंस इनेबल कैसे करना है। एक बार डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो गया तो चीज़ें काफ़ी आसान है। डेवलपर ऑप्शंस पे जाइए और यहाँ पे आपको एक USB डीबगिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसे इनेबल कर देना है। तो मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स में यहाँ पे पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, पर अगर आपके पास MIUI वाला फ़ोन है तो आपको एक और ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा है इंस्टॉल एप्स वाया USB, तो आपको ये भी ऑन कर देना है। ये सिर्फ MIUI वाले फ़ोन्स के लिए आपको एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, बाकी सारे फ़ोन में आपको बस USB डीबगिंग ही इनेबल करना है। तो बेसिकली MIUI वाला फ़ोन है तो इंस्टॉल एप्स वाया USB का भी ऑप्शन होगा, तो इसे इनेबल करना है। और इसे इनेबल करने के लिए आपका सिम कार्ड आपके फ़ोन में होना चाहिए और आपके पास MIUI अकाउंट भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना और आप इंस्टॉल ऐप्स वाया USB इनेबल कर सकते हो अपने Xiaomi वाले फ़ोन पे। एक बार ये हो गया फिर आपको बस आपके कंप्यूटर पे जाना है, यहाँ पे हमने जो zip फाइल डाउनलोड की थी उसे अनजिप कीजिए और एक फोल्डर खुलेगा, तो वहाँ पे kfmark.exe वाली फाइल होगी, तो आपको इसे ओपन करना है और आपको एक छोटी सी विंडो दिखेगी जिसमें एक बीच में ग्रे वाला सर्कल है। अभी आपको आपके फ़ोन में KF Mark वाले APK इंस्टॉल करना है, और APK इंस्टॉल करने के बाद आपको जो भी परमिशंस देनी है दे दो, और आपको यहाँ पे ऐसी स्क्रीन दिखेगी जो भी आपको मेरे फ़ोन पे दिख रही है। तो अब आपको आपके फ़ोन को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, और जैसे ही आप फ़ोन को कनेक्ट करोगे आपको एक फ़ोन पे पॉपअप आएगा कि आपको क्या ये कंप्यूटर को USB डीबगिंग के लिए ऑथोराइज करना है या फिर नहीं।
तो आपको ओके पे प्रेस करना है, एक्सेप्ट पे प्रेस करना है और इसे अलाव करना है। जैसे ही आप ये करोगे, आपका जो कंप्यूटर पे ऐप खुला है वो ग्रे वाला सर्कल अब ब्लू वाला सर्कल हो जाएगा। तो अब आपको ये ब्लू वाले सर्कल पे क्लिक करना है और आपको एक पॉपअप विंडो आएगा। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और फिर आपके फ़ोन पे भी आपको एक बड़ा सा ब्लू बटन दिखेगा, तो उस पर टैप कीजिए और आपकी एक ऐप लिस्ट खुल जाएगी। तो यहाँ पर हमें वो ऐप सिलेक्ट करना है जिसमें हमें FPS दिखाना है, तो बेसिकली हमारे लिए वो PUBG है, तो PUBG मोबाइल सिलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक प्ले और एक स्टॉप वाला बटन दिख जाएगा PUBG मोबाइल के लोगों के नीचे, तो आपको प्ले वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कुछ परमिशंस और देनी पड़ेगी ड्रॉ ओवर ऐप्स के लिए। उसके बाद आप जैसे ही PUBG पे प्ले वाला बटन दबाते हो तो PUBG खुलता है और आपको ऊपर एक पॉपअप मिलता है जो FPS दिखाता है। तो बेसिकली इसी तरह आप FPS इनेबल कर सकते हो अपने फ़ोन पे। बट यहाँ पे अगर आपके पास Xiaomi या Realme का फ़ोन है तो आपको एक और स्टेप करना है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है, अपने ऐप सेटिंग्स में जाके KF मार्क को खोलना है और यहाँ पर आपको दो चीज़ें चेंज करनी है। सबसे पहले तो आपको ऑटो स्टार्ट इनेबल करना है और फिर आपको बैटरी सेटिंग्स में जाके नो रिस्ट्रिक्शंस या फिर नो बैटरी सेवर पे क्लिक करना है। वरना क्या होता है कि इसमें रैम मैनेजमेंट इतना अग्रेसिव है ना कि आपके FPS वाले ऐप को बैकग्राउंड में किल कर देंगे और आपको FPS फिर देखने नहीं मिलेगा। तो ये दो चीज़ें आपको सेटिंग्स चेंज करनी है आपके फ़ोन में। एटलीस्ट Xiaomi और Realme में तो ये करना ही पड़ता है, बाकी ब्रांड्स का आप देख लो, बस बैटरी सेवर आप ऑफ रखना है ये ऐप्स के लिए। उसके बाद आप बस आसानी से FPS देख सकते हो आपके फ़ोन पे, आपको सारा डेटा FPS का रियल टाइम में देखने मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आपको आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को टेस्ट करना है। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपना फ़ोन रीबूट करोगे आपको ये पूरी प्रोसेस वापस करनी पड़ेगी। तो आपको KF मार्क को वापस PC से कनेक्ट करके आपके फ़ोन को इनेबल करना पड़ेगा, या फिर अगर आप ये ऐप 4-5 दिन यूज़ भी नहीं करते हो या फिर काफ़ी टाइम ये मेमोरी से बाहर रहता है तो शायद से आपको वापस ऐसा करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा लिमिटेशन है ये ऐप का, बट अब कंसिडरिंग कि ये फ्री है तो ठीक है यार। और अगर आपको और डेटा भी चाहिए तो अगर आप अपने FPS पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक प्ले वाला बटन दिखेगा, अगर आप उसे प्रेस करोगे तो ये FPS डेटा रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। और आपको अगर आप रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप करते हो तो फिर आपको एक ग्राफ देखने मिलेगा कि आपका FPS कैसा था, आपको बैटरी कंजम्पशन देखने मिलेगा, CPU कितना कंज्यूम हुआ है, तो ये सारा आपको डेटा देखने मिलेगा ऐप में जाके। तो आपको एक प्रॉपर ये एक ग्राफ दे देगा कि गेम का परफॉर्मेंस कैसा है, कितना बैटरी जा रहा है, कितना CPU जा रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो काफ़ी इन डेप्थ आपको एक रिपोर्ट मिल जाता है कि फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसी तरह आप अपने फ़ोन पे FPS इनेबल कर सकते हो। तो ये कोई भी फ़ोन पे ये मेथड चलेगा, 99% फोन्स पे ये मेथड चलता है, बस अपने रिस्क पे आपको APK इंस्टॉल करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आप भी अपने PUBG वाले गेम में FPS दिखा सकते हो। तो ये था मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल FPS इनेबल करने के लिए PUBG पर। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, ट्रस्ट मी, मेरे हर PUBG रिव्यू पे सबका कमेंट आता था कि FPS कैसे इनेबल करें, कैसे इनेबल करें, और आपके कुछ पर्सनल मैसेजेस भी आए थे। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ऐसे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मैं ऐसे कुछ छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स लेके आऊँ। स्मार्टफोन रिव्यूज़ तो हर कोई बनाता है, तो ऐसे कुछ काम के अगर मैं ट्यूटोरियल्स आपके लिए बना सकूँ तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगेगा। बट एनीवेज, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ यार कमेंट्स में पूछो, आप मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर भी पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशन वापस आऊँगा। थैंक यू।